कभी कभी देखिए लोग इधर उधर झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, कुछ लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप वहां पर जा रहे हैं तो हमेशा एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जा रहे हैं तो आप सब लोगों को मेरी पूरी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं गरिमा भारती। इस वक्त पूरे देश में तनाव का माहौल है, अलग अलग इलाकों में दंगे भड़के। आपने देखा कि एक बयान के कारण क्या कुछ नहीं हुआ। इसी बीच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हज जाने वाले यानी कि हज यात्रियों को कई सारी बातें कही है, कई सारी सलाह दी है और समाज को लेकर एक बड़ी जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी है। हज भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम हज यात्रियों को संबोधित कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा है आप सुनिए। निश्चित रूप से आप जो जाइएगा उससे न सिर्फ आपका और आपके परिवार का उत्थान होगा, बल्कि आप जो जा रहे हैं वो पूरे बिहार का उत्थान होगा, पूरे देश का उत्थान होगा। ये बहुत बड़ी बात है। आप जब जाते हैं और जिस तरह से लोगों में एक प्रेम का भाईचारे का भाव होना चाहिए, कभी कभी देखिए लोग इधर उधर झगड़ा करने के चक्कर में रहता है, कुछ लोग इधर उधर होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है आप वहाँ पर जा रहे हैं तो हमेशा एक ऐसा वातावरण बनता है कि आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए आप जा रहे हैं तो आप सब लोगों को मेरी पूरी शुभकामनाएं, और किसी तरह की आपको दिक्कत न हो, खूब अच्छे ढंग से जाइए और जा करके वहाँ रखिए। अब ये तो एक बात हो गया है, अब ये कोरोना का ये पता नहीं क्या ये हो गया है, क्या इस जिसके चलते लोगों को परेशानी हो गई, तो बीच बीच में भी शुरू हो जाता है, तो अब वो सब तो एक अलग बात है। लेकिन सब लोग जा रहे हैं, टेस्ट करा करके जा रहे हैं, और इस बार तो कह दिया कि 65 साल से ऊपर वाले को जाने नहीं दिया जाएगा। अब तो जिनको भी मौका मिला है, और हम तो यही कामना करते हैं, मेरी तो यही कामना है कि भाई ये कोरोना वगैरह ये सब जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि सब लोगों को कहीं भी जाने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। तो इस बार आप लोग जाइएगा तो हमको तो पूरा भरोसा है कि आगे से कोरोना से भी मुक्ति मिलेगी, हमको ये पूरा भरोसा है। वहाँ जाइएगा तो निश्चित रूप से सब में, समाज में प्रेम भाईचारे का भाव हो, और इस तरह का जितना ये सब नुकसान पहुंचाने वाला चीज है वो सब खत्म हो जाए। आप जाइएगा तो जरूर इसमें सफलता मिलेगी, और आपको जाने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है, और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं, और अपनी बात यही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत। तो आपने सीएम नीतीश कुमार को सुना, उन्होंने कहा है कि हज यात्रा पर जाना सौभाग्य की बात होती है, ये आप और हम तय नहीं करते, ये ऊपर से ही तय होकर आता है कि कौन वहां तक पहुंच पाता है और कौन वहां तक नहीं पहुंच पाता है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सौहार्द को लेकर कई सारी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि देश में इस वक्त किस तरह का माहौल है आप देख रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि हम भाईचारे की राह पर चलें और उससे कहीं भी ना भटके। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर भी कई सारी बातें कही। ये कहा कि हर साल के मुकाबले इस साल कम लोगों को भेजा जा रहा है और 65 वर्ष से ज्यादा के जो लोग हैं उन्हें हज पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। साथ ही साथ जो अधिकारी हर बार बिहार से हज यात्रियों के साथ जाते थे मक्का मदीना, उनकी भी संख्या को कम कर दिया गया है। तकरीबन 13-14 अधिकारी हैं जो इस बार हज यात्रियों के साथ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम हज यात्रियों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि हम भाईचारे को हमेशा बरकरार रखें। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।